कोरोना वायरस के आगे 150 करोड़ की आबादी वाला चीन अपने ही घर में बंदी बन गया है। सारे रास्ते वीरान हो गए हैं, चीन के राष्ट्रपति तक भूमिगत हो गए हैं। एक सूक्ष्म सा जंतु और दुनिया को आंखें दिखाने वाला चीन एकदम शांत है, भयभीत है। केवल चीन ही क्यों, सारे विश्व को एक पल में शांत करने की ताकत है प्रकृति में। हम जात पात, धर्म भेद, वर्ण भेद, प्रांतवाद के अहंकार से भरे हुए हैं। यह गर्व, यह घमंड कोरोना ने मात्र एक झटके में उतार दिया। बिना किसी भी प्रकार का भेद रखे सारे चीन को बंदिस्त करके रख दिया है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि चीन का राष्ट्रपति भूमिगत रहते हुए ही अपने ही 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार देने की भाषा बोलने लगा है। इस संसार का कोई भी जीव इस प्रकृति के आगे बेबस है, लाचार है। प्रकृति ने शायद यही संदेश दिया है, प्यार से रहो, जियो और जीने दो, वरना सुनामी है, कोरोना है, रीना है, टीना है। लेकिन इसके बावजूद अगर जीना है तो प्यार से। इंसान को कभी भी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रहा।